गणेशाय नमः। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 33वां अध्याय देवहूति कुश तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच। एवं निशाम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विश्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था और निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है।
ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है उसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, उसी में पड़ते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गईं तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति करदम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेक दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भवनों का गुंजार होता रहता था, जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाल प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियाँ भी लालायित रहती हैं, उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गाय। वत्स, विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गईं। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गईं। भगवत भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गईं, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्ध की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही,
जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोगमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार के सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनके स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरि के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।